देखते हैं, आई गेस आप लोग टीवी तो देखते ही होंगे, और टीवी में आपको देखना क्या पसंद है? मैं अपने पर्सनली बात बताऊं तो मुझे रियलिटी शोज देखने बहुत पसंद है। सो आप वीडियो के थंबनेल से ही समझ गए होंगे कि आज की वीडियो किस बारे में होने वाली है। सो बेसिकली मुझे बिग बॉस बहुत पसंद है, मैंने बिग बॉस के काफी सारे सीजन फॉलो किए हैं, एंड एक टाइम था जब मुझे बिग बॉस के ऑडिशन का मौका मिला था। सो आज की वीडियो में अपनी वही स्टोरी बताने वाला हूँ कि मैंने बिग बॉस का ऑडिशन कैसे दिया और वो पूरा प्रोसेस क्या रहा। तो चलिए हम वीडियो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। सो बेसिकली आपको ये स्टोरी जानने के लिए थोड़ा सा थ्रोबैक में जाना पड़ेगा। तो ये बात उस टाइम की है जब बिग बॉस में कॉमनर्स की एंट्री हो रही थी पहली बार। सो बेसिकली वहाँ पे आपको क्या करना था कि ऑडिशन टेप आपको सबमिट करनी थी, जो कि मैंने दिल्ली में कर दी थी। सॉरी आई मीन गाजियाबाद, क्योंकि मैं गाजियाबाद में रहता हूँ, वरना लोग ऑफेंड हो जाएंगे बिकॉज दिल्ली में मैं नहीं रहता। सो इसके बाद फिर मैं मुंबई शिफ्ट हो गया था, एंड मैंने वहाँ पे फिर एक और ऑडिशन टेप सबमिट किया, एंड फिर मैं वो ऑडिशन टेप सबमिट करके भूल गया था, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि ऑब्वियसली मुझे ऐसा कॉल वगैरह कुछ आएगा। तो उसके बाद ऑडिशन सबमिट टेप सबमिट करने के बाद कुछ 2 से 3 महीने हो गए थे। फिर रैंडमली मुझे एक दिन ऑफिस में कॉल आता है कुछ 3 से 4 बजे करीब कि मैं हम बिग बॉस से बात कर रहे हैं। मैं तो काफ़ी शौक था, मतलब बिग बॉस से बात करने मुझे लगा काफ़ी मतलब कोई फ्रॉड कॉल्स होगा, क्योंकि यूजुअली इस तरह के कॉल्स काफ़ी लोगों को आए भी थे उस टाइम पे। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपका बिग बॉस में ऑडिशन के लिए सबमिट मतलब आप सेलेक्ट हो गए और आपको कोरेगांव फिल्म सिटी में ऑडिशन गेट पे आना है। और उस टाइम पे इवेंचुअली क्या हुआ था कि मुझे उसी टाइम पे मैं दिल्ली ट्रैवल कर रहा था, तो मैंने उनको बताया कि मैं उस डेट पे मुंबई में ऑडिशन नहीं दे सकता, आप मेरा ऑडिशन दिल्ली में ले सकते हैं क्या? तो उन्होंने मुझे कंफर्मेशन दे दिया कि हाँ आप अपना ऑडिशन दिल्ली में दे दीजिएगा और हम आपका ये जो एड्रेस है आप यहाँ पे इस डेट में पहुँच जाइएगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो ये सब करके हमने मैं फिर वहाँ से ऑफिस में उनसे बात खत्म हुई, फिर मैं दिल्ली वापस आ गया। सो बेसिकली मैंने बिग बॉस ऑडिशन के 2 वीडियो टेप्स सबमिट किए थे। एक पहला वीडियो टेप जो मैंने वो घर से बनाया था, जो मेरी मम्मी ने शूट किया था, और दूसरा मैंने अपने मुंबई के फ्लैट में बनाया था, जो कि मेरे एक फ्रेंड ने शूट करके दिया था। सो बेसिकली हमने फिर वो मेरा जो ऑडिशन टेप था वो सेकंड ऑडिशन टेप वो फाइनली उनको पसंद आ गया था। उसमें था ऐसा था कि जो आपका जो लास्ट ऑडिशन टेप आप जो सबमिट करेंगे वो उसी के थ्रू आपको सेलेक्ट करेंगे। सो मेरा जो सेकंड ऑडिशन टेप था वो उन्हें पसंद आ गया था। सो बेसिकली जब मैं दिल्ली आ गया और फिर वो ऑडिशन की डेट आ गई थी, तो बेसिकली वो एक ऑडिशन एक स्कूल में हो रहा था दिल्ली के। सो मैं वहाँ पे पहुंचा और ऐसा नहीं था, जैसे आपने देखा होगा बाकी ऑडिशन जो होते हैं रोडीज वगैरह के, उसमें काफ़ी रश होता है, बट ये काफ़ी बहुत ही आराम से हो रहा था। मतलब ना तो बाहर काफ़ी क्राउड था, ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा लग भी नहीं रहा था कि आप एक प्रॉपर मतलब ऐसा कोई बहुत बड़ा ऑडिशन हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें उन्होंने सीक्रेटिवली रखी हुई थी। सो बेसिकली मैं वहाँ पे पहुंचा और वहाँ पर फिर अपने वहाँ पर आपको अपने लिस्ट में अपना नाम कन्फर्म कराना था, बट उनसे जो बिग बॉस टीम से उनसे गुफअप हो गया था कि उन्होंने क्या किया था कि मेरा नाम इंक्लूड नहीं किया था वो दिल्ली वाली लिस्ट में। तो मैंने उन्हें बताया कि मेरा नाम मुझे मतलब मुझे बताया गया था कि आप मुंबई की जगह दिल्ली में ऑडिशन दे सकते हैं, बट फिर वो काफ़ी टाइम तक उन्होंने मतलब जो बाउंसर्स वगैरह होते हैं उन्होंने मुझे मना किया कि आप अंदर एंट्री नहीं कर सकते क्योंकि आपका नाम हमने लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया है। बट फिर आफ्टर सम कॉल्स वगैरह उन्होंने अंदर बता किया, एंड फाइनली मुझे ऑडिशन के लिए अंदर मतलब स्कूल में एंट्री मिल गई थी। सो बेसिकली जब हम अंदर गए तो उन्होंने हमें सबसे पहले एक अपना ऑडिशन नंबर दिया, जो कि मेरा नंबर है 92801, जो कि मैंने यहाँ पे आप देख रहे होंगे। सो बेसिकली मैंने हमें वो ऑडिशन नंबर उन्होंने लगा दिया। फिर उसके बाद हमें काफ़ी बड़ा सा फॉर्म दिया गया जिसमें हमारे बारे में सब कुछ डिटेल आपको भरनी थी कि आपको गुस्सा आता है नहीं, आपको जब आपको गुस्सा आता है तो क्या करते हैं, आपको क्या पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद, आप लोगों को इंटरटेन कैसे करते हैं, आपकी लाइफ में क्या कॉन्ट्रोवर्सी रही है, मतलब या आप कभी मतलब आप पुलिस स्टेशन गए हो नहीं, मतलब इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन थे। बेसिकली नॉट सो नॉर्मल क्वेश्चन, ज़्यादातर ऐसे जो कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन की मतलब आपकी लाइफ में कॉन्ट्रोवर्सी कितनी है, या आपने सबसे ज़्यादा एडवेंचरस काम कौन सा किया है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन थे जिनके हमने जवाब दे दिए। फिर हमने वो फॉर्म उनको सबमिट कर दिया। सो फाइनली फिर हम लोगों ने एंट्री अंदर ले ली, और उसके बाद फिर हमने वो फॉर्म वगैरह फिल कर लिया था। फिर एक एक करके जो लोग थे कंटेस्टेंट थे वो अंदर जाने लगे, तो फिर लास्ट में जाके मेरा नंबर आया। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अंदर ऑडिशन कैसा था एग्जैक्टली। तो ऑडिशन ऐसा था कि एक सामने एक बंदा बैठा हुआ था रूम में, जो कि एक वीडियो कैमरा लेके बैठा हुआ था, उसके सामने आपको जाके बैठना था एक चेयर पे, और वो एक और थर्ड पर्सन वहाँ पे बैठा हुआ था जो कि माइक में आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा था। सो क्वेश्चंस कुछ ऐसे थे कि पहले उन्होंने अपने हमसे मेरा बेसिक डिटेल्स पूछी कि आप कहाँ से हैं, आप कहाँ पे आपका जन्म हुआ है, आप क्या करते हैं, आप क्या काम करते हैं, इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस। फिर उसके बाद वो थोड़े और कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चंस पे आ गए कि आपने अपने लाइफ में सबसे ज्यादा एडवेंचरस क्या किया है, या आपको जब गुस्सा आता है तो आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो मैंने बताया कि जो भी मतलब मेरी पर्सनैलिटी में थी, मैंने अपने बारे में सबको उनको सारी डिटेल्स वगैरह दी। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि आप हमें मतलब आप जब मतलब अपने अपने आपको इंटरटेन कैसे करते हैं। तो मैंने कहा कि मुझे गाने गाने का शौक है, डांस करने का शौक है। तो फिर वो कहते हैं कि आप ऐसे करिए, आप हमें इंटरटेन कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि आप मतलब यहाँ पे हमें डांस करके दिखाइए। बट उस ऑडिशन रूम में वो बहुत ही ब्लैंड सा रूम था, क्लासरूम थी बेसिकली वो खाली। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे यहाँ पे ना आप मुझे डांस करके दिखाइए। तो उनका डांस करके तो दिखा सकते हैं, बट म्यूजिक तो होना चाहिए। तो वो बोलते हैं कि मतलब आपको बिग बॉस के हाउस में कौन सा म्यूजिक बजता है, वहाँ पे तो आपको ऐसे ही मतलब इंटरटेन करना होता है।
तो जिसकी वजह से मैंने मतलब ऑब्वियसली मैंने डांस नहीं किया क्योंकि विदाउट मतलब विदाउट म्यूजिक मेरे लिए डांस करना पॉसिबल नहीं था। सो बस यही क्वेश्चंस के बाद मतलब मेरा ऑडिशन फिर ओवर हो गया। मैंने दो तीन क्वेश्चन और पूछे कि आपको गुस्सा आता है या नहीं, जो कि मुझे नहीं आता, मतलब मैं इतना कॉन्ट्रोवर्शियल इंसान हो ही नहीं। तो उन्होंने मुझे एक ऐसे कुछ बेसिक क्वेश्चन हुए, फिर मैं ऑडिशन के रूम के बाहर निकल के आ गया। उससे बोला कि आप डांस करके दिखाइए विदाउट म्यूजिक के। तो मैंने मतलब डांस नहीं किया, जो कि मुझे ऑब्वियसली करना चाहिए था, क्योंकि वो ही शायद वो उनका मेजर टेस्टिंग पॉइंट था कि मतलब ये बंदा हमको एंटरटेन कर सकता है या नहीं, या घर में एंटरटेन कर पाएगा नहीं। तो जहाँ पर मुझे अपना थोड़ा सा 100% देना चाहिए था, वहाँ पर मैंने शायद अपना 90% दिया। और मे बी इट वॉज अ बैड डे कि मैंने वहाँ पर उनको मतलब उनको एंटरटेन बोलने पर मैंने उनको डांस करके नहीं दिखाया। तो अब आप जानते हैं कि मेरे को आपको रिजल्ट बताने की तो जरूरत नहीं है कि मैं वीडियो अपने घर से बना रहा हूँ, ऑब्वियसली मैं बिग बॉस में सेलेक्ट नहीं हुआ था। सो यही मेरी ओवरऑल मतलब जो मेरा ऑडिशन जर्नी थी वो यही थी कि उस टाइम के ऑडिशन कुछ इस तरह से हुए थे और वो काफ़ी बहुत सीक्रेटिव रखा गया था। उसके बाद भी मतलब कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मुझे बाद में कभी टीम से नहीं मिली कि आप सेलेक्ट नहीं हुए हो या फिर आप रिजेक्ट हो गए हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बट इवेंचुअली वो बाद में फिर सिर्फ सीधा डायरेक्ट सीजन स्टार्ट हो गया था। तो बेसिकली मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि अगर आपको जैसे इस तरह का कोई मौका मिलता है तो आपको उसमें अपना 100% या 200% देना चाहिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि मैं बिग बॉस का बहुत बड़ा फैन हूँ। और आज नहीं तो कल मतलब मैं चाहता हूँ कि किसी ना किसी सीजन में ऑब्वियसली मुझे भी कभी ना कभी वहाँ पर जाने का एक चांस मिले, जो कि मुझे एक बार मिला भी था। एंड फिर उसके बाद सब्सिक्वेंटली एक तो सीजन आया जिसमें कॉमनर्स की एंट्री हुई, मतलब एंट्री हुई बट उसका प्रोसेस मैं कभी क्लियर नहीं हो पाया। सो बेसिकली उस ऑडिशन से मैंने यही सीखा कि अगर आपको मतलब किसी भी ऐसे ऑडिशन में जाने का मौका मिलता है तो वहाँ पे आपको अपना 100% 200% देना चाहिए। इससे आपके मतलब किसी भी ऑडिशन में सेलेक्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। और अगर मैंने भी उस टाइम पे अपना 200% दिया होता तो मैं भी शायद एक बिग बॉस कंटेस्टेंट होता अभी तक, जो कि ऑब्वियसली नहीं हुआ। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मेरे साथ अच्छी चीज़ हुई वो मुंबई में हुई, क्योंकि मुंबई में मुझे अमिताभ बच्चन सर से ही मिलने का मौका मिला। और फिर ये बिग बॉस ऑडिशन का टाइम भी वही है जब मैं मुंबई में रह रहा था। सो बेसिकली इट वॉज अ मतलब वो काफ़ी अच्छी जर्नी थी ऑडिशन का कॉल आने से लेकर जब मैंने ऑडिशन दिया। इट वॉज अ ग्रेट डील फॉर मी, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसी चीज़ें डेली तो होती नहीं है किसी के साथ भी। सो मुझे वहाँ से बिग बॉस ऑडिशन से तो ऑडिशन नंबर मिला था, वो मैंने अभी भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में पोस्ट किया हुआ है। तो अगर आप चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में जाके देख सकते हैं, जो कि सेम नाम से है, द फैशन फिल्टर का है। तो अब इसी के साथ हम इस वीडियो को रैप कर लेते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है और आप सिर्फ वीडियोस देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो आप प्लीज़ आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए आगे भी इस तरह से कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोज लेके आता रहूँगा। सो टिल देन स्टे सेफ स्टे हैप्पी, बाय गाइस, हम मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय बाय।